नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक वीपीएन चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे आईएम ऑटो रिप्ले एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों इस एप्लीकेशन के जरिए आप फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आप ऑटो रिप्ले ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए हम चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक एंड सोशल मीडिया रिलेटेड वीडियो चैनल पे लाता रहता हूं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे हम मोबाइल स्क्रीन पे आके प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमको सर्चिंग बार में सर्च कर लेना है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है आई एम ऑटो रिप्ले। दोस्तों इस एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन के जरिए आप सभी एप्लीकेशन पर ऑटो रिप्ले ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का रेटिंग 4 है। दोस्तों एक छोटा सा एप्लीकेशन है, दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप इसी एक ही एप्लीकेशन पर आप सभी एप्लीकेशन पर ऑटो रिप्ले ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम वीडियो में देखेंगे। दोस्तों ये एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमको जो भी परमिशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, हम यहाँ पे ओके में क्लिक कर लेते हैं। ओके में क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज विजिबल हो रहा है। यहाँ पे आई एम ऑटो रिप्ले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम आई एम ऑटो रिप्ले एप्लीकेशन में क्लिक करके देन यहाँ पे परमिशन अलाउ कर लेते हैं। देन बैक चले जाते हैं। बैग आने के बाद यहाँ पे ऐड में क्लिक कर लेते हैं। एक दूसरा ऑप्शन ऐड में क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे फिर परमिशन पूछ रहा है। देन यहाँ पे ऐड में क्लिक कर लेते हैं। फाइनली अलाउ में क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का विजिबल होगा। दोस्तों टॉप में सारे एप्लीकेशन यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पे फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यहाँ पे हम स्क्रॉल कर लेते हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम, देन यहाँ पे फिर स्क्रॉल करके लाइन, हैंगआउट, एसएमएस, देन वाइबर सिंगल, देन गूगल वॉइस, देन व्हाट्सएप बिजनेस। दोस्तों इतने सारे एप्लीकेशन पर आप ऑटो रिप्ले ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम ऑटो रिप्ले इनेबल करके देखेंगे। हम ओके में क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको व्हाट्सएप पर ऑटो रिप्ले कैसे अप्लाई किया जाता है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों सभी एप्लीकेशन पर आप सेम ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली व्हाट्सएप का ऊपर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप का ऊपर टच करने पर व्हाट्सएप एक्टिवेट हो गया। देन नीचे ऑटो रिप्ले टेक्स्ट जहाँ पे लिखा है छोटा सा बॉक्स, हम उसका अंदर जो भी मैसेज ऑटो रिप्ले के लिए सेट करना चाहते हैं हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अगर आप चाहे अपना कोई लिंक भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली आपको दिखाने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों आप सभी एप्लीकेशन पर सेम ऑप्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ व्हाट्सएप में टॉच करके दिखा रहा हूँ। आप चाहे फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और एसएमएस जो भी है आप उसका ऊपर टॉच जब करेंगे वो एनाबल हो जाएगा। सेम ट्रिक दोस्तों अप्लाई करना है। सिंपली आपको जो भी मैसेंजर में आपको इम्प्लीमेंट करना है आप उसको टॉच करके इनेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सभी एप्लीकेशन पर ऑटो रिप्ले इनेबल हो तो आप सभी एप्लीकेशन का ऊपर टॉच करके इनेबल करके देन आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप सिलेक्टेड एप्लीकेशन का ऊपर टॉच करके आप इनेबल भी कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको दिखाने के लिए, डेमो के लिए आपको व्हाट्सअप इनेबल करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं मैसेज इंटर फिल कर लिया। फिल करने के बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पे रिप्ले टू जहाँ पे लिखा है हम वहाँ पे जहाँ पे आरो का सिंबल दिखाई दे रहा है राइट साइड में, हम वो मिडिल में जहाँ पे रिप्ले टू लिखा है, रिप्ले टू का साइड में जहाँ पे लिखा है एवरीवन, हम वहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एवरीवन में क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक छोटा सा मेनू ओपन हो गया। यहाँ पे एवरीवन अगर हम दोस्तों रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, हम सभी का पास ऑटो रिप्ले मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट हम रखेंगे तब हम सिलेक्टेड पर्सन जो हम चाहते हैं उसी के पास हमारा मैसेज जाए और किसी के पास ना जाए, हम वहां पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे मैं स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके देन यहां पे जब प्लस में सिलेक्ट करता हूं, यहां पे देखिए राइट कॉर्नर में एक छोटा सा डायरी का सिंबल दिखाई दे रहा है। हम वहां पे क्लिक करके
हमारा कॉन्टैक्ट में जो भी पर्सन है हम उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, उनका पास वो जब हमको कोई मैसेज सेंड करते हैं तो हमारा सेट किया हुआ मैसेज उनका पास ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। फिलहाल हमको करना नहीं है, हम यहाँ पे बैक चले आते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बैक चले आते हैं, बैक आके फिर से स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट का नीचे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे मेंशन है ऑन सेव कॉन्टैक्ट। दोस्तों ऑन सेव कॉन्टैक्ट मीन्स आपका मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट है उनका पास ऑटो रिप्ले ऑप्शन नहीं विजिबल होगा। दोस्तों जो आपका मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट सेव नहीं है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपका मोबाइल में कोई मैसेज सेंड करते हैं, आपका सेट किया हुआ मैसेज आप उनका मोबाइल में ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब है ऑन सेव कॉन्टैक्ट, आपका मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट है उनका पास व्हाट्सएप मैसेज सेंड नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे हम एवरीवन सिलेक्ट कर लेते हैं, मीन्स सभी का पास, बाहर का व्यक्ति और आपका मोबाइल में भी जो कॉन्टैक्ट है सभी का पास। दोस्तों यहाँ पे रिप्ले टाइप एवरी टाइम वन टाइम आफ्टर 5 सेकंड, हम यहाँ पे तो यहाँ पे हम वन टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति हमारा मोबाइल पे मैसेज सेंड करेगा फर्स्ट टाइम, उनका पास एक ही टाइम हमारा सेट किया हुआ मैसेज सेंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम वन टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में जहाँ पे ऑफ लिखा है हम उसको टच करके ऑन कर लेते हैं। देन हम बैक चले आते हैं। दोस्तों ये ट्रिक कैसे काम करता है अभी हम देखेंगे। हम ऑटो रिप्ले ऑप्शन सेट कर लिए, यहाँ पे हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मैं एक आपके सामने दूसरा मोबाइल भी लाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अभी ऑनलाइन हूँ, मेरा चार्ट सेक्शन यहाँ पे ऑन है। दोस्तों अब देखिए मैं आपको एक दूसरा मोबाइल भी ओपन करके अभी दिखाता हूँ। आपके सामने सेकंड मोबाइल विजिबल हो रहा है, यहाँ पे हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप एप्लीकेशन सेकंड मोबाइल का ओपन करने के बाद देखिए हम यहाँ पे एक चार्ट सेक्शन में जाके यहाँ पे हाय टाइप करके देन सेंड कर लेते हैं फर्स्ट मोबाइल को। देखिए 10:46 PM को दोनों मोबाइल में यहाँ पे विजिबल हो रहा है हाय हाय। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट मोबाइल से हम व्हाट्सएप से हट जाएंगे, अभी बैक चले आएंगे। दोस्तों अभी फर्स्ट मोबाइल का स्क्रीन क्लोज कर देंगे। स्क्रीन क्लोज करने के बाद देखिए दोस्तों अभी हमारे सामने स्क्रीन क्लोज करेंगे। स्क्रीन क्लोज करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, सेकंड मोबाइल से हम एक मैसेज टाइप करेंगे। सपोज हाउ आर यू टाइप कर लेते हैं, हाउ आर यू। दोस्तों हाउ आर यू टाइप करने के बाद देखिए हम जो मैसेज सेट किए थे ऑटो रिप्ले में, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, ये ऑटोमेटिक देखिए उस मोबाइल में सेंड हो गया है सेकंड मोबाइल में। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन में ऑटो रिप्ले इनेबल करके आप मैसेज सेट कर सकते हैं। आप जब ऑनलाइन नहीं रहेंगे भी वो मैसेज ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर चाहे आप उस लिंक में क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।